और तहलका न्यूज़ के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमें भारत देश में बोलने की और घूमने की आज़ादी मिली है, संविधान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं और इसी वजह से हम जो है स्वतंत्र भारत में हम अपने विचार रखने की हमें पूरी स्वतंत्रता आज के दिन हमें प्राप्त हुई है। एक बार पुनः तहलका न्यूज़ के सारे दर्शकों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवसाच्या सगळ्या हिंदू बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा आणि सगळ्यांनी अगदी झेंडा वंदन उत्साहाने साजरा करावा करत राहावा आणि जे देशातले सैनिक सॅल्यूट शहीद होतात त्यांना खरोखर ह्या 26 जानेवारी गणतंत्र दिवसानिमित्त खरोखर त्यांना आमचा सगळ्यांचा सॅल्यूट आहे आणि आम्ही प्रत्येकानी प्रत्येक हा माणूस देशाचा सैनिक आहे असं समजू आणि ह्या शुभेच्छा मी प्रत्येक 26 जानेवारी निमित्त प्रत्येक देशवासियांना देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम जीशान बाबा सिद्दीकी है, मैं मुंबई यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ। मैं आज गणतंत्र दिवस के एक जो हमारा एक शुभ दिन है, आज मैं मेरे सारे देशवासियों को मैं हैप्पी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही डॉक्टर अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा था और हमने बोलने का हक जो है वो आज ही मिला था। तो मेरा नाम मुबीन पठान है, कांग्रेस मैन हूँ। मैं सभी मुंबई वासियों को देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा। तहलका न्यूज़ की तरफ से और मैं जगदीश शर्मा की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा। मैं तमाम जनता को और हमारी तमाम ये जो महिलाएं हैं और हम तमाम हिंदुस्तान के वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश बढ़े और भूखमारी सब ख़त्म हो जाए और हिंदुस्तान का बोलबाला हो और हमारी जनता सुखी रहे, यही हम तमाम महिलाओं की शुभकामनाएं है और आशीर्वाद है। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह प्रोग्राम जो सफल हुआ और सब ने मिलकर सफल बनाया और आज का ये जो दिन है हमारे लिए हर भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और यह दिन हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह सब मिलकर मनाते हैं इसी तरह हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें और पूरे देश को यही हमारी शुभकामना है। और जय हिंद, जय भारत। देश के 70 साल के गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामना और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सभी देशवासी इसी तरह हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 15 अगस्त देश मनाते रहे, यही शुभकामना देना चाहूँगा।